कि हमारा ड्रेस कोड कैसा हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं हाउ डिड आई बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज काडर जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसका क्या सिलेबस है क्या पैटर्न है क्या कुछ उसके लिए पढ़ना है वो सब मैंने उस वीडियो में बताया तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बात करूंगा कि इंटरव्यू हमें कैसे फेस करना है और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है पहली चीज आती है ड्रेस कोड तो ऑब्वियसली ड्रेस कोड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए वाई बिकॉज दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट तो पर्सनैलिटी का मतलब है दे आर गोइंग टू जज यू बाय योर पर्सनैलिटी ठीक है तो पहली चीज कि आपका ड्रेस कोड फॉर्मल हो बढ़िया पैंट कोट हो जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा और अच्छी टाई हो टाई बहुत भड़कीली ना हो बहुत डिजाइन वाली ना हो और जो पैंट कोट है आपका वो भी बहुत चमकीला ना हो प्लेन हो ब्लू कलर ब्लैक कलर ग्रे कलर ये तीन कलर मैं आपको रिकमेंड करूँगा और बहुत स्टाइलिश ना हो और कोशिश करना कि अगर आप कोई ब्रांडेड पेंट कोट लेते हो है ना बहुत डिटेल में बात करेंगे हम इसमें इंटरव्यू की कोई ब्रांडेड आप पेंट कोट लेते हो तो उसमें जो ब्रांड का टैग होगा वो हटा देना मैंने ब्रांडेड लिया था और हटा के गया था तो उससे क्या होता है कि अगर आप ब्रांड का टैग लगा है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर जो होगा वो उसको लगेगा कि हाँ ये ये दिखाना चाह रहा है कि मैंने कितना महंगा सूट खरीद कर लाया हूँ ठीक है तो उससे क्या है कि मैसेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है तो ड्रेस कोड जो आपका होगा वो नॉर्मल होगा ठीक है अच्छे से मतलब कि डिसेंट आपका जो सूट है वो होना चाहिए फॉर्मल शूज़ होने आप होने चाहिए और शूज़ भी बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश नहीं होने चाहिए ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा दूसरी चीज़ हमें एंटर कैसे करना है रूम में ठीक है तो जब हम स्टार्टिंग में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप आराम से दरवाजा खोलिए दरवाजा किसी भी तरह का हो सकता है वहाँ पे डिपेंड करता है किस तरह का दरवाजा है आराम से खोलिएगा सबसे पहले आप पूछेंगे मे आई इन प्लीज इस तरह से अगर आप एंट्री के लिए मतलब परमिशन मांगते हो तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से और उसके बाद जब आप अंदर जाते हो फॉर एग्जाम्पल देर आर थ्री और फोर पीपल फोर पीपल ठीक है एंड आउट ऑफ दोज फोर पीपल देर इज़ वन वुमन तो आपका दायित्व बनता है इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रीट दी वुमन फर्स्ट ठीक है सबसे पहले आप जाएंगे आप करेंगे गुड मॉर्निंग मैम या फिर गुड आफ्टरनून जो भी आपका है या फिर बारह बजे का एग्जैक्ट समय है तो गुड नून ठीक है सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग ठीक है गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी ऐसे आप कह सकते हो ठीक है अगर आपको लगता है कि ऐसा कहने में मैं थोड़ी असमर्थ हूँ या थोड़ा असमर्थ हूँ वहाँ जाके थोड़ा नर्वस हो जाऊँगा तो आप सभी को एक साथ कह सकते हो गुड मॉर्निंग एवरीबडी बात खत्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू इस तरीके से या फिर अगर दो तीन लोग हैं अब हमारे पैनल में तो तीन लोग होते हैं ठीक है हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तीन लोग होते हैं तो तीन लोगों को आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर क्योंकि तीन लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ठीक है अगर तीन से ज़्यादा है तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप कोई औरत है तो उसे पहले ग्रीट करें उससे आपका एक अच्छा मैसेज जाएगा उनको कि ये जो बंदा है या फिर ये जो लड़की है ये औरतों की रिस्पेक्ट करता है या करती है पहली चीज़ ठीक है क्योंकि हमारे समाज में औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा तो पहली चीज़ तो ये आप अंदर जाते हो उसके बाद आप बिल्कुल खड़े हो जाए सामने ठीक है आगे टेबल के पास खड़ा नहीं होना ज़्यादा दूर खड़ा नहीं होना चाहिए नॉर्मल एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए स्माइल बोले तो हल्की सी ऐसे नहीं हंसना है दिन निकल के इतनी सी आप अच्छी सी एक पॉजिटिव और आपका होना चाहिए जब आप अंदर जा रहे हो हल्की सी आपकी स्माइल होनी चाहिए उसके बाद दे विल आस्क यू टू तो सेट ठीक है अगर जब वो बोलेंगे तभी बैठना है ऐसी फालतू में नहीं बैठना ठीक है अगर वो बोलते प्लीज़ सेट डाउन ठीक है जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ प्लीज़ सेट डाउन मिस्टर सॉर तो आई विल से थैंक यू सर थैंक यू सो मच और आप सीट को ग्रहण करोगे और सीट को खिसकाना नहीं है चेयर को खिसकाना नहीं है थोड़ा सा उठा के करना है अगर सीट फिक्स है तो ठीक है कई जगह कुशन वाली होती है कई जगह नॉर्मल भी हो सकती है खिसकाना नहीं है जोर से थोड़ा उठा के आराम से जेंटली आपको उसको रखना है और बैठना है नाउ देअ विल बी अ ग्लास ऑफ वाटर मे बी है ना होगा ही वहाँ पे तो दे कैन आस्क यू दैट प्लीज हैव वाटर ठीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में ही पानी पी लेना क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना कि हम काफ़ी नर्वस होते हैं जो कि आपको नहीं होना और बाई चांस और ये ऑब्वियस सी चीज़ है नेचुरल सी चीज़ है कि आप वहां पर नर्वस होंगे ही होंगे तो आप जब वहां पर जा रहे हो तो सबसे पहले अगर वो पानी के लिए आपको पूछते हैं तभी आपने पानी पी लेना है और रख देना थैंक यू सर अब आप मुझसे पूछिए वो वहाँ आप फिर आपसे सवाल करना शुरू करेंगे ठीक है कई बार ऐसा होता है कि बीच में जब आपका इंटरव्यू चल रहा है वो जानबूझ के आपको ऐसा कहेंगे कि प्लीज़ यू कैन चिल है ना यू कैन रिलैक्स एंड हैव वाटर है ना वो आपको बीच में पूछ सकते हैं उस वक्त पानी बिल्कुल मत पीना क्यों क्योंकि वहां पे जैसे ही आप पानी पियोगे और तीनों की नज़रें आप पे है ठीक है तीनों की नज़रें आप पे है और एकदम से एक एम्बेरसिंग सी मोमेंट हो जाएगी कि आप ऐसे पानी पी रहे हो इसका मतलब है अगर आप बीच में पानी पी रहे हो तो इसका मतलब है कि आप नर्वस हो उन्होंने ये बात इसीलिए आपको पूछी है ताकि उन, उनको भी ये चीज प्रूव हो जाए उनके सामने कि हाँ यू आर नर्वस आप नर्वस फील कर रहे हो इसलिए आपको पानी पीना है स्टार्टिंग में पूछते हैं पी लो बीच में पूछते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो और बिना पानी पिया बोल नहीं पाओगे आगे तो आप पी सकते हो ठीक है तो आंखों से याद आया नज़रों से याद आया कि आपका आई कॉन्टैक्ट जो है सबके साथ होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैं तीन लोगों को लेकर चल रहा हूँ मान लो बीच वाले इंसान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो आपकी जो नज़रें हैं वो तीनों पे होनी चाहिए जिसने सवाल पूछा उस पर ज्यादा और जो दो साइड में बैठे उन पर भी आपकी नजर जानी चाहिए जैसे आपकी इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं माय नेम इज सौरभ ठाकुर ये ऐसे बीच वाले ने पूछा आप एक बार बीच वाले को देखेंगे स्टार्टिंग में फिर इधर भी देखेंगे फिर इधर भी देखेंगे फिर फिर से बीच वाले, बीच वाले को देखेंगे बीच वाले को ज्यादा देखेंगे क्यों क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको ठीक है अब इंटरव्यू में पहली चीज हो सकता है वो आपको पूछे हमें तो नहीं पूछी पर हो सकता है मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही एक क्लिशियट सी चीज है कि आपको इंट्रोडक्शन पूछी जाती है इंट्रोडक्शन जो है आपकी वो बहुत क्रिस्प होनी चाहिए ठीक है शॉर्ट होना चाहिए ब्रीफ होनी चाहिए और उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सिर्फ ठीक है पहली चीज आपका नाम दूसरी चीज आप कहां से हो तीसरी चीज ये असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है ठीक है तो तीसरी चीज आपकी होनी चाहिए सीधा कि आपने बी ए कहाँ से की है बैचलर्स कहाँ से की है ठीक है बी ए बी एस सी जो भी है बैचलर्स कहाँ से किए उसके बाद मास्टर्स कहाँ से किए उसके बाद एम फिल अगर की है तो कहाँ से की है और फिर पी अगर आप कर रहे हो परस्यू हो या फिर आप कर चुके हो तो ये सारी चीजें जो है आपको बी से शुरू करना है उससे पीछे का स्कूलिंग वगैरह आपने नहीं बतानी है ठीक है उसके बाद सीधा आपने आना है अचीवमेंट्स पे ठीक है कि मेरी अचीवमेंट्स है मैंने नेट निकाला है या फिर सेट निकाला है या फिर गोल्ड मेडल है आपका कुछ भी है इस तरह की चीज़ें चार पांच चीज़ें आप गिनवा सकते हो अपनी अचीवमेंट्स में उसके बाद आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की भी बात कर सकते हो कि मैंने वहाँ 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 पढ़ाया है शॉर्ट में ब्रीफ़ में ठीक है मुझे लग, मतलब मेरे हिसाब से एक डेढ़ मिनट से ज़्यादा आपकी इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए एक मिनट ठीक है एक मिनट में आपकी इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए मैक्सिमम ठीक है तो उसके बाद आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताना है उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला है आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है तो आप थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हो मेरे पापा ये करते हैं मम्मी ये करते हैं भाई बहन बस थोड़ा ब्रीफली ठीक है उसके बाद लास्ट में आप हॉबीज़ पर आ सकते हो ठीक है कि माई हॉबीज़ आर और हॉबीज़ चार काफ़ी है चार या पाँच पाँच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हॉबीज़ क्यों क्योंकि हॉबीज़ अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो हो सकता है कई बार आपको हॉबीज़ पर क्वेश्चन पूछ ले तो हॉबीज़ जो भी आप लिखते हो वैसे तो परफॉर्मा पहले भराया जाता है बाहर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें वो लिखवाया जाता है आपसे कि आपकी हॉबीज क्या है तो कई बार ऐसा होता है कि वो हॉबीज़ से कोई आपका क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि हाँ जी आप क्रिकेट खेलते हो अच्छा बताओ दो में या फिर दो में आई की ट्रॉफी किसने जीती तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं ठीक है तो हॉबीज जो है केयरफुली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं बोलूँगा माई इज सौरभ ठाकुर एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम एक्स वाई जेड ठीक है एंड आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम दैट कॉलेज एंड देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से एंड देन आई डिड माई एम फिल एंड करंटली आई एम परसुइंग पी एच डी ठीक है ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई खत्म ठीक है अब आपकी क्वालिफिकेशन खत्म होगी अब आपको क्या करना है कि माई अचीवमेंट्स आर आई हैव क्वालिफाइड यू जी सी नेट आई हैव क्वालिफाइड एच पी सेट या फिर जो भी आपका स्टेट है वहाँ का सेट एंड आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट एंड माई मास्टर्स मास्टर्स के साथ भी आप ऐड करके बोल सकते हो जब आप बोल रहे हो कि आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम देयर आर बाई बींग गोल्ड मेडलिस्ट तो मैंने तो इसी हिसाब से बोला था लेकिन इस वाले इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन नहीं पूछी गई थी क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना कि जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो सामने वाले को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं हम वही बातें बोलेंगे कि जहां से वो क्वेश्चन आए क्वेश्चन आए और हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो तो अगला जो इंटरव्यूअर जो आपका है ठीक है उसका मेन मकसद है आपको अनईजी फील करवाना इस क्लास वन गेजेड जॉब की मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की ठीक है तो वो आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन पूछे आपसे हो सकता है इंट्रोडक्शन पूछे ही ना क्योंकि उसको पता है कि ये इंट्रोडक्शन रट के आई होगी आया होगा है ना उनको पता है कि ये इंट्रोडक्शन रटके आया होगा तो इसको पूछना ही नहीं है हमने इसको रैंडमली सीधा ही पूछ लेना हाँ जी कहाँ से आए हो आप ठीक है जी वहाँ से आए अगर वो पूछते तब इंट्रोडक्शन देनी ऐसी फालतू में मामा नहीं बनना हुआ कि हाँ ये 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 भाई तो मैं तो याद करके लाई हूँ मेरी तो ये अचीवमेंट तो से मैं बोलूँगी नहीं जितना पूछा है उतना ही बोलना है पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देने हैं फालतू बात कोई नहीं करनी है डू नॉट बीट अराउंड द बुश ठीक है तो आप कैसे से करके इंट्रोडक्शन होगी आप थोड़ा सा फैमिली का बता दिया और आपका हॉबीज बता दी लास्ट में गेम खत्म ठीक है उसके बाद वो आपको क्वेश्चन करेंगे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा हंड्रेड मार्क्स का इंटरव्यू होता है ठीक है तो उसमें क्या है कि करंट अफेयर्स एच पी जी के भी पूछा जाता है तो मुझसे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता आप कहाँ से आते हो मैंने कहा वहाँ से आता हूँ अच्छा वहाँ के बारे में बताओ आपके एरिया में ये है अपना एरिया जो आपका है अपना डिस्ट्रिक्ट जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट उसको अच्छे से पढ़ के जाना उसके जितने भी नदियाँ झीले या फिर आपके मंदिर है या फिर कोई फेमस प्लेसेस है दूसरा आपके स्टेट की जो कैबिनेट है मंत्री है उनको अच्छे से आपने पढ़ के जाना है वो पूछ सकते हैं जो नेशनल लेवल पर मंडल है उसको आपने पढ़ के जाना है कौन बंदा किस चीज़ का मंत्री है वो सारी चीज़ें हो सकता है कोई करंट टॉपिक पे आपको पूछा जाए हाँ जी आजकल किसान आंदोलन चला है अमृतपाल चला है या फिर अतीक अहमद की जो मर्डर हुआ है उस पर आपके क्या व्यूज़ है ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पूछ सक ठीक है तो सबसे पहले आपको एच पी के से स्टार्ट किया जाएगा आपको पूछा जाएगा क्या क्या है तो वो मैंने सारे आंसर्स ठीक दे दिए थे मैं कहाँ से हूँ मैंने सब वहाँ की हिस्ट्री बता दी एक मंदिर के बारे में पूछा वहाँ की हिस्ट्री बता दी जहाँ एरिए से मैं आता हूँ एक आंदोलन हुआ था उसका मैंने बता दिया तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा अच्छा राष्ट्रपति कौन है पहले कौन थे राज्यपाल कौन है पहले कौन थे कहाँ से है ऐसी ऐसी बेसिक सी चीज़ें आपको पूछेंगे देखो जीके आपको बेसिक पूछेंगे क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ठीक है यू आर नॉट कंसर्न विद दीज इंफॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल uh, जो नॉलेज है उससे आपका इतना कोई कंसर्न है नहीं लेकिन फिर भी सिर्फ यह देखने के लिए कि यह इंसान कितना अवेयर है वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है उसके बाद एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा मुझसे तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए रैपिड फायर कि मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा आपने राइटर के नाम बताने में ठीक है सो so, पहली बुक ऊपर से दूसरी बुक ऊपर से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो बोलो सॉरी सर आई डोंट नो सॉरी सर आई एम नॉट वेल अक्वेंटेड विद दिस फील्ड ऑफ नॉलेज या फिर कुछ भी आप इस तरीके से बोल सकते हो आप 10 बार 20 बार मना कर सकते हो 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं आए आए टेंशन नहीं लेना है ठीक है वहां पे आपको आपकी नॉलेज से जज नहीं किया जाएगा आपके कॉन्फिडेंस से जज किया जाएगा आपकी पर्सनैलिटी से जज किया जाएगा नॉलेज उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली है आपकी रिटर्न एग्जाम में है ना तो यहां पे उनका कंसर्न ये नहीं है कि इसकी नॉलेज देखनी है यहां पे उनका कंसर्न है कि हमने इसको इतना तोड़ना है इसको इतना नर्वस और लो फील करवाना है और ये देखना है कि किस हद तक ये इंसान प्रेशर को झेल सकता है तो पहले जो पांच छह क्वेश्चन थे ऐसे ऊपर हवा से गए उन्होंने शायद छह सात बुक्स के नाम बोले होंगे तो मैंने सुनी भी नहीं थी कभी उसमें से दो, दो बुक्स का तो मैंने आंसर दे दिया लेकिन चार का नहीं दे पाया और वहां पर मैं थोड़ा ऐसा हो गया यार क्योंकि ये बहुत बड़ी जॉब है वैसे मैंने इंटरव्यू बहुत दिए हैं हिमाचल में भी मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं हिमाचल से बाहर दिल्ली में भी मैंने पी के इंटरव्यूज दिए असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मैंने एक दो कॉलेज में आई में भी मैंने इंटरव्यू दिए सारी जगह मेरे इंटरव्यूज बहुत अच्छे हुए थे लेकिन ये वाला जो इंटरव्यू था दिस वॉज रियली डिफरेंट डिफरेंट क्यों क्योंकि बहुत बड़ी जॉब है जैसे ही चार पांच क्वेश्चन मेरे गलत हुए मेरे को लगा यार गई जॉब अब तो गई जॉब वो एक प्रेशर आ जाता है उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आते होंगे लेकिन आते हुए भी आप भूल जाओगे क्यों क्योंकि आप नर्वस हो जाओगे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग थोड़ा नर्वस हो गया था उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन पूछे मेरे मेरे को सारे आए एम फिल का पूछा आप किस टॉपिक पे आपने काम किया है उससे जितने क्वेश्चन पूछे मैंने अच्छे से डिफेंड कर दिए एक बात याद रखना आपने अगर एम की है या फिर पीएचडी आप कर रहे हो तो आपको एम फिल पीएचडी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाना जो आपकी डिजिटेशन आप पहले काम कर चुके हो एम का था मेरा तो मैं पूरी डिजिटेशन अच्छे से पढ़ के गया था और उसमें मैंने पहले भी काफी इंटरव्यूज दिया तो मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आई नहीं है ना तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना और पी में अगर आप कोई करंट में जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हो उस पर बहुत डीपली uh, आपको स्टडी करके जाना है उस पर आपको घुमाया जाएगा तो उसके आंसर भी मैंने सारे अच्छे दे दिए थे उसके बाद लिटरेचर से भी मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे वो भी मैंने अच्छे से दे दिए वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पूछा किस लिए फेमस है स्ट्रीम ऑफ ऑमकॉन्शियस के लिए फेमस है अच्छा क्या है स्ट्रीम ऑफ ऑमकॉन्शियस वो भी मैंने बता दिया अब इंग्लिश की मैं बात करूँ तो आपको ग्रामर भी पढ़ के जाना है ठीक है क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट और यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर ऑफ लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज तो उस लैंग्वेज का अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो फिर क्या आता है तो ग्रामर से क्या है कि कुछ स्पेलिंग्स पूछ रहे थे जैसे एटीकेट की स्पेलिंग पूछ लेंगे है ना अकोमोडेट की स्पेलिंग पूछ लेंगे मेनूवर की स्पेलिंग पूछी थी मतलब तो इस तरह की स्पेलिंग्स जो थोड़ी सी ट्रिकी होती है तो आपको वोकेबुलरी पर भी काम करना है दूसरा ग्रामर से भी आपको पूछा जा सकता है वॉइस पूछी, पूछी जा सकती है नरेशन पूछी जा सकती है पूछी गई है मतलब मैं बता रहा हूँ हमारे इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी गई है मुझे तो एक सेंटेंस दे दिया था कि अच्छा ये बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है और अगर गलत है तो इसमें क्या गलती है ठीक है तो वहाँ पे पेंसिल या फिर पेज हो सकता है वो आपसे लिखवाएंगे तो हिमाचल का तो ये है बाकी हर स्टेट का अपना एक प्रोसेस होता है और इंटरव्यू के भी नंबर अलग हिसाब से होते हैं हमारे तो हंड्रेड मार्क्स का इंटरव्यू होता है है ना तो कई जगह कम मार्क्स का भी हो सकता है और वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर क्या उसका तरीका है कई काफ़ी लीनेंट होते हैं कई काफ़ी ग्रिलिंग करते हैं तो हमारे जो पैनल में वन ऑफ द मेंबर्स वाज वेरी स्ट्रिक्ट वो किसी भी चीज़ को अच्छे से ले नहीं रहे थे वो ऐसा मूह बना रहे थे जैसे हमने कुछ बहुत ही गलत बोल दिया हो लेकिन वो सिर्फ उनकी एक चाल होती है कि ऐसा मूव बनाना है अगले को ऐसा लगे कि यार ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा हूँ और मैं बहुत लो फील करने लग जाऊं और फिर मुझे जो आ रहा होगा वो भी भूल जाए मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे कैबिनेट के, के मिनिस्टर पूछे या मिनिस्टर पूछा यहाँ के हिमाचल के अब कैबिनेट हम तो हर रोज बात करते हैं कौन किस चीज़ का मंत्री है सब पता है एकदम से मैं एक सेकंड के ब्लैंक हो गया ये क्या पूछ लिया फिर एक सेकंड बाद मुझे याद आ गया कि ये है तो ये होता है कई बार आप जब नर्वस हो जाते हो तो ऐसा होता है लेकिन होना नहीं है मेन चीज है आपका कॉन्फिडेंस अगर कुछ चीज आपको नहीं आती है तो सीधा बोलो सॉरी सर आई डोंट नो ठीक है सॉरी 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 पचास बार बोल लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं आती और आपने फिर भी बोल दिया तुक्का मार दिया घुमा दिया उनको तो आपका जो पॉइंट है नेगेटिव जरूर जाएगा कि ये तो हमारा बेवकूफ बना रहा है इसको आता है नहीं लगा हुआ है बोलने है ना तो वो वाला काम नहीं करना है तो मतलब मेन चीजें तो यही है इंटरव्यू में उसके बाद क्या पूछा था और लिटरेचर वगैरह से पूछा था ग्रामर हो गया लैंग्वेज हो गया और आपका जो एम फिल के जो टॉपिक्स है उस पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया है ना तो मतलब मेन जो आपका है वो है आपका कॉन्फिडेंस मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए अगर आपको पीच में ये भी पूछ लेना कि आर यू श्योर यू जस्ट सेड दिस लाइन यू जस्ट सेड दिस पर्टिकुलर वर्ड सो आर यू श्योर दैट दिस इज दिस और दिस इज दैट सो वट एवर यू हैव सेड बी कॉन्फिडेंट अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट नाउ जस यू सेट दिस वर्ड इज इट करेक्ट तो उस बिल्कुल तो श्योर है ना यस सर इट इज़ करेक्ट मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने जो बोला है वो करेक्ट है और जो मुझे नहीं आता तो मैंने बोला ही नहीं है मतलब कि जो आपको नहीं आता है वो आपने बोलना नहीं है और जो बोल दिया है उसमें डंके की चोट से बोलना है कि यस आई एम श्योर तो मतलब आपका वो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आइडियाज को क्योंकि कल को आपने टीचर बनना है है ना तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझा पाओ बढ़ा पाओ तो ये सारी चीजें होती है जो कि आपका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा लेकिन एक बात याद रखना दिस इज अ क्लास वन गेजटेड जॉब इसमें इंटरव्यू वैसा नहीं होगा जैसा आपने कहीं पीएचडी का दिया होगा या कहीं और का दिया होगा इस पर आपका प्रेशर भी थोड़ा सा ज्यादा होगा दूसरी बात इस पर आपको थोड़ा ग्रिल भी किया जाएगा है ना आपको जॉब देनी है यार सरकार ने इतने पैसे लाखों करोड़ों रुपए आप खाओगे इतने सालों में तो आपको अच्छे से ग्रिल कर रहे हैं वो है ना तो ये ध्यान रखना बाकी डिपेंड करता है पैनल पे भी डिपेंड करता है अलग स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो इंटरव्यू लेते हैं लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया है ना तो अभी कुछ दिन में जॉइनिंग है तो अब देखते हैं कॉलेज में कैसा कैसा रहता है क्या रहता है तो मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना है किसी भी पॉइंट पे आके उसके बाद जब आप जाते हो जब आपको बोलते हैं कि ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच यू कैन गो राउ ऑल द बेस्ट ठीक है आप प्यार से उठो और स्माइल करो थैंक यू सर थैंक यू और स्माइल के साथ आप जाओ और दरवाज़ा आराम से खोलना आराम से छोड़ना ठीक है और फाइल वगैरह हमें तो कुछ नहीं ले जाने दिया हमें तो बिल्कुल पेन भी नहीं ले जाने दिया अंदर फाइल वगैरह सब बाहर ही रखवा दी थी अगर फाइल आपके पास है तो उसको बिल्कुल गोदी में रखना है और जब आप बैठते हो बिल्कुल स्ट्रेट बहुत ही स्ट्रेट भी नहीं बैठना है थोड़ा मतलब रिलैक्स होकर ऐसे स्ट्रेट बैठना है और पाँव आप नीचे से क्रॉस कर सकते हो नहीं तो आप सीधे ही रखें ऐसे और हाथ ऐसे थाइस पे अपने आप रख सकते हैं या फिर ऐसे करके ऐसे करके यहाँ थाइस में ऐसे करके रख सकते हो ऐसे करके ठीक है मतलब रिलैक्स आपको देख के ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत स्टिफ ऐसे ऐसे करके बिल्कुल खड़ा है मतलब रिलैक्स होने चाहिए और बहुत ही रिलैक्स भी नहीं कि ऐसे ही बैठ गए आप कुर्सी पर है ना तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा आपके रिलैक्स हाथ और थोड़ा सा पोस्चर जो है आपका एक मिडल में जैसा हो मतलब एक मीडियम तरीके से ऐसा ना हो कि बहुत रिलैक्स हो बहुत स्टिफ हो ऐसा नहीं होना चाहिए हाथ हो तो बिल्कुल रिलैक्स हो ऐसे नहीं हो होगी आपने ऐसे रख दिया ऐसे साथ के ऐसे रख दिया लो जी थाई था से सीधे हाथ है ना तो मतलब रिलैक्स होने चाहिए ऐसा लगना चाहिए आपको देखिए कि आप रिलैक्स हो और बीच में पानी के लिए पूछते तो मत पीना उससे आप और एम्बेस हो जाओगे कि यार ये तो पानी पीने लग गई यार अब ये मेरे को देख रहे होंगे इनको लग रहा होगा कि यार ये तो एम्बेस हो रही है या फिर ये नर्वस हो रही है या फिर हो रहा है तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है तो इंटरव्यू में तो यही होता है लगभग इंटरव्यूज़ आधे घंटे तक चल रहे थे सभी के तो मेरा तो 20-25 मिनट चला था लगभग मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन के आंसर दिए थे और जो नहीं आते थे उसमें सीधा सॉरी बोल दिया देखो हर चीज़ नहीं आती है और वो पूछेंगे वही जो आपको नहीं आता होगा जहाँ पे मैं उनको आंसर बहुत अच्छे से दे रहा था वहाँ पे एकदम से वो क्वेश्चन चेंज कर रहे थे उनको लग रहा था कि ठीक है इस फील्ड में ये बंदा हमें हमें अच्छे से आंसर दे सकता है तो हम इसको यहाँ से नहीं पूछना कहीं और से पूछते हैं है ना तो ये सारी चीज़ें हैं लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर में हर चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना थेरीज हमें पूछी नहीं थेरी का मैं मास्टर था मतलब हूँ थेरी तो मैं तैयार था कि कोई भी पूछ ले तो देखी जाएगी लेकिन थेरी कुछ पूछी नहीं तो मतलब हो सकता है कि लिटरेचर से तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते लेकिन लैंग्वेज वोकेबलरी ग्रामर और लिटरेचर ये सब अच्छे से पढ़ के जाना और अपना एम फिल का थीसिस और आपका करंट अफेयर जो है आपकी स्टेट का आपके होम डिस्ट्रिक्ट का जो जनरल नॉलेज है वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना तो अगर आप यू जी नेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आने वाले समय में अगर मैंने अपनी ऐप लॉन्च की तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसे मैंने बताया अपनी जर्नी भी बताई है और कैसे कैसे रिटर्न एग्जाम होता है क्या उसका पैटर्न होता है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स अगर आपको लेने हैं तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस लिंक पर जाइए उसके बारे में आप पढ़िए उसके बाद आप थोड़ा बहुत जो भी जेनवन अमाउंट मैंने रखा है उसको पे करके डाउनलोड का उसमें सब लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपने डाउनलोड करनी है नहीं डाउनलोड होती है तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरा आपको मेल आईडी मिल जाएगी वहाँ पे आप मेल करके मुझे बता सकते हो मैं आपको वहाँ पे नोट्स सेंड कर सकता हूँ तो मतलब ये थी पूरी कहानी टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो उसका लिंक आपको जरूरत नहीं है दाना मल्टीटास्क का भी चैनल का नाम है उसके सीधा इंस्टाग्राम पर भी वही नाम है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो तो उसके बाद अब देखते हैं कहाँ किस कॉलेज में पोस्टिंग होती है हिमाचल से बाहर तो नहीं भेजेंगे तो फिलहाल यही था मेरी थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का तो इतना सा आपने मतलब मुझे अगर मैं कुछ भूल भी रहा होगा तो कोई बात नहीं जितना मैंने आपको बताया है वो अच्छे से आपने करके जाना है ठीक है ओके बाय थैंक यू सो मच अगर आपका इंटरव्यू है कल है परसों है या फिर जब भी है आपको ऑल द बेस्ट अच्छे से जाना कॉन्फिडेंट होकर जाना एक अच्छी सी स्माइल फेस पर रखना और आप ज़रूर सेलेक्ट होकर आओगे ठीक है मेरी यही आपके लिए दुआ है ठीक है ओके बाय नमस्कार